हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी अगर पी बाय क्यू एंड आर बाय एस आर टू रैशनल नंबर्स, अगर पी बाय क्यू और आर बाय एस को कोई रैशनल नंबर हम लेते हैं, देन पी बाय क्यू इंटू आर बाय एस इज इक्वल टू पी इंटू आर टू क्यू एस। एग्जाम्पल, अगर p बाय क्यू को हम 2 बाय 3 लेते हैं, r बाय s को हम 7 बाय 8 लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू यानी 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 8, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 बाय 24। देन इनसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 7 बाय 12। और एक और बात, वेन अ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई भी रेशनल नंबर को हम 2 बाय 3 क्यों 4 बाय 7, कोई भी रेशनल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। या फिर जीरो में भी अगर कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बाय 7 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, या फिर 0 × 4/7, यानी इसका भी वैल्यू 0, ये तो 0 ही है, या इसका भी वैल्यू 0। यानी कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 0 में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, कोई भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज, यानी पी बाई क्यू एंड आर बाय एस अगर कोई रैशनल नंबर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 2 बाय 7 एक रैशनल नंबर है और इसको प्रोडक्ट करते हैं 5 बाय 9 से, देन क्या हो जाएगा, 2 × 5, 7 × 9, 10 बाय 63। देन ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है 10 बाय 63। पी बाय क्यू के फॉर्म में है और पी और क्यू इंटीजर है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यही होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पी बाई क्यू एंड आर बाय एस कोई रेशनल नंबर है, देन पी बाई क्यू इंटू आर बाय एस इज इक्वल टू आर बाय एस इंटू पी बाई क्यू। यानी एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे, 2 बाय 11 इंटू 5 बाय 7, इसे मल्टीप्लाई अगर करेंगे 11 × 7 2 × 5 10 बाय 77, और 5 बाय 7 2 × 11 5 × 2 7 × 11 10 बाय 77। यानी 2 बाय 11 इंटू 5 बाय 7 या 5 बाय 7 इंटू 2 बाय 11 करें, आंसर सेम आएगा। यानी ये दोनों इक्वल है। यानी टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, दो रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी थर्ड प्रॉपर्टी, इसे देख लेते हैं। अगर पी बाय क्यू एंड आर बाय एस एंड टी बाय यू आर एनी थ्री रैशनल नंबर, देन पी बाय क्यू इंटू आर बाय एस इंटू टी बाय यू इज इक्वल टू पी बाय क्यू इंटू आर बाय एस इंटू टी बाय यू। यानी फर्स्ट टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट लास्ट के रैशनल नंबर के साथ करें, या फर्स्ट रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लास्ट के टू रेशनल नंबर के प्रोडक्ट के साथ करें, बात बराबर होगा। यानी आंसर सेम आएगा, ये दोनों इक्वल होगा। एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं, -2/3 इंटू 3/4, इन दोनों का प्रोडक्ट पहले करेंगे फिर बाद में -5/6 का, और -2/3 इंटू 3/4, या फिर पहले इन दोनों का करते हैं। अब देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। -2 इंटू 3 -6, 3 इंटू
4 12 into minus 5 by 6 minus 6 into minus 5 यानी minus minus plus 30 12 into 6 72. अभी से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं तो 215 3 5 15 3 1 3 3 2 5 by 12 देन इसे करते हैं माइनस 2 बाय 3 सॉरी ये क्या कर रहे हैं माइनस 2 बाय 3 इनटू माइनस 15 3 इनटू माइनस 5 देन 24 ठीक है 24 इनटू 3 72 माइनस 2 इनटू माइनस 15 30 यानी 3 10 जा 30 3 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 2 5 जा 10 5 बाय 12 दोनों का आंसर सेम है यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है यानी कहने का मतलब है व्हेन मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर अगर कोई भी तीन या तीन से अधिक भी हो सकता है रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें पहले या लास्ट टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई पहले करें बात आंसर सेम आएगा यानी दोनों इक्वल होगा कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ेगा अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रेशनल नंबर p by q देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर 1 सच दैट p by q into 1 इज इक्वल टू p by q या 1 into p by q यानी कहने का मतलब है कोई भी रेशनल नंबर अगर हम p by q लें यानी कोई भी रेशनल नंबर लें तो उसके लिए एक रेशनल नंबर 1 एक रेशनल नंबर है such that p by q यानी वो रेशनल नंबर into 1 is equal to p by q यानी अगर कोई भी हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं minus 2 by 3 अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही सेम नंबर मिल जाएगा minus 2 by 3 minus 2 by 3 यानी 1 हर रेशनल नंबर के लिए means हर रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर है जो उस नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर वही सेम नंबर हमें मिल जाएगा यानी द नंबर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है द नंबर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स यानी हर रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा यानी हर रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी अगर कोई रेशनल नंबर हर फॉर एवरी रेशनल नंबर p / q देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर q / p सच दैट p / q * q / p इज इक्वल टू 1 यानी हम लोग एडिशन में क्या देखा था कि अगर p / q कोई रेशनल नंबर है हमें अगर 0 लाना है अगर हमें क्या लाना है 0 तो हम उसमें क्या ऐड करते थे माइनस p by q देन हमें क्या मिल जाता था 0 तो हम इसे क्या कहते थे माइनस p by q इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ p by q उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्या हम करेंगे हमें 1 लाना है 0 नहीं लाना हमें 1 लाना है यानी कोई भी रेशनल नंबर हो अगर हमें उसको उसके रिवर्स यानी उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम गुना कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा यानी 2 बाय 3 अगर कोई रेशनल नंबर है अगर हम इसको इसके लिए एक नंबर 3 बाय 2 लेते हैं इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा यानी 3 3 कट जाएगा 2 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा यानी हम क्या कह देंगे कि 2 बाय 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3 बाय 2 क्यों क्योंकि 2 बाय 3 से हम 2 बाय 3 में अगर हम 3 बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा उसी तरीके से अगर 4 बाय
फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हमें चाहिए, तो क्या होगा, फाइव बाय फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, यानी फाइव बाय फोर इज द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ फोर बाय फाइव। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि अगर कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर फिर से लेते हैं टू बाय थ्री, इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हमें चाहिए, बस मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, यानी थ्री बाय टू इज द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ यही है कह रहा है क्यू बाय पी इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल दोनों नाम सेम है ऑफ पी बाय क्यू, यानी क्यू बाय पी जो है पी बाय क्यू का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है, कैसे, पी बाय क्यू है, क्यू ऊपर चल गया, पी नीचे आ गया, यानी इन्वर्स हो गया, देन पी बाय क्यू इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू बाय पी, क्यू बाय पी, पी बाय क्यू जो हो गया क्यू बाय पी का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल हो गया, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों को अगर पी बाई क्यू को अगर क्यू बाई पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, है ना, ये वाला, ये बात कहने का मतलब है। तो हम लोग समझ गए मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी मल्टीप्लीकेटिव पी बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। नाउ नेक्स्ट, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्यों नहीं होता, जीरो का रेसिप्रोकल हम कैसे करेंगे, जीरो बाय वन लिखेंगे, ठीक है, जीरो बाय टू, जीरो बाय थ्री, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं जीरो बाय वन, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाय जीरो हो जाएगा, तो वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट ए रेशनल नंबर, सॉरी नॉट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नहीं होता, सो वन जीरो हैज नो रेसिप्रोकल या नो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, देन रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन, वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा, क्यों, क्योंकि वन को हम वन बाय वन लिख सकते हैं, वन डिनोमिनेटर ऊपर गया न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर नीचे आया, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, यानी माइनस वन हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, माइनस वन बाय वन, और न्यूमिरेटर ऊपर गया डिनोमिनेटर नीचे आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो माइनस वन बाय वन यानी माइनस वन ही होगा, यानी माइनस वन का भी रेसिप्रोकल माइनस वन ही होगा। नाउ अब हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम इसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या, अगर तीन रेशनल नंबर में गिवन है, यानी पी बाई क्यू, आर बाय एस, टी बाई यू, कोई तीन रेशनल नंबर गिवन है, देन पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, ये इंटू नहीं है, प्लस प्लस प्लस, एसोसिएटिव में इंटू होता था, आर बाय एस प्लस टी बाई यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू आर बाय एस, पी बाई क्यू इंटू आर बाय एस प्लस पी बाई क्यू इंटू टी बाई यू, पी बाई क्यू इंटू टी बाई यू, ये कहने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ ओवर एडिशन है इसलिए ओवर एडिशन किए, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो हम ओवर सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते थे, एक एग्जांपल के तौर पर हम एग्जांपल के से समझते हैं, देखिए माइनस थ्री बाय फोर इंटू टू बाय थ्री प्लस माइनस फाइव बाय सिक्स, इसे पहले हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, तो हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सिक्स होगा इन दोनों का एलसीएम, और थ्री टू जा सिक्स, देन टू टू जा फोर प्लस सिक्स, सिक्स एलसीएम, सिक्स डिवाइडेड सिक्स वन, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, देन माइनस थ्री बाय फोर इंटू फोर माइनस फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, देन व्हाट वी गेट, माइनस थ्री इंटू माइनस वन यानी प्लस थ्री, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, यानी थ्री वन जा थ्री, थ्री एट, वन बाय एट। और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व करते हैं,
देखते हैं, 3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस 5/6, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता था, पी बाई क्यू यानी ये इंटू ये, यानी 3/4 इंटू 2/3, ये मल्टीप्लाई, देन बीच में प्लस आ गया, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, 3/4 इंटू माइनस 5/6, देन अब क्या होगा, माइनस 6 देन 12, ये यहां से भी कट सकता था, यहां से भी कट सकता था, आप वहां काट देते तो और आसान हो जाता, लेकिन चलिए 15 24 देन एलसीएम ले लेते हैं, 24 माइनस 12 15, देन व्हाट वी गेट, 24 15 माइनस 12 यानी 3, 3/24 यानी 1/8, दोनों इक्वल आ गया, 1/8 यानी ये इक्वल्स, यानी ये और ये इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है, यानी इसका मतलब क्या है कि P by Q into R by S plus T by U, ये हमें वेरीफाई कर लिया, हमने इस एग्जांपल से हम लोग वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग सीख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का यूज करने, यानी आप अब अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो प्रोसेस सेम रहता, ओवर सब्ट्रैक्शन में भी प्रोसेस सेम रहता, और हम लोग इसे ओवर सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 7 में, छोटा सा बात है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो, यानी कोई भी रेशनल नंबर को हम -7/8, कोई भी रेशनल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, या जीरो में कोई भी रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, ये इसका कहने का मतलब है। या तो कोई रेशनल नंबर में हम जीरो मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही होगा, या जीरो में कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, इससे पहले हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर देख लिया, डिवीजन लास्ट है हमारा, तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं। इफ पी बाय क्यू एंड आर बाय एस कोई रेशनल नंबर है, देन पी बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस, तो पी बाय क्यू इंटू आर बाय एस इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी इसका उल्टा, एस ऊपर चल गया आर नीचे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब न्यूमिरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमिरेटर नीचे या डिनोमिनेटर ऊपर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, यानी पी बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस का मतलब क्या हुआ, पी बाय क्यू इंटू एस बाय आर एंड देन पी इंटू एस क्यू इंटू आर, यानी एक एग्जांपल हम ले भी सकते हैं, P 2/3 डिवाइडेड बाय -7/8, देन क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड था, देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल इसको उल्टा कर देना है, तो 8/-7 हो जाएगा, देन 2/3 इंटू 8/-7 ऊपर ले जाते हैं, 8-8/7 इसे ऊपर ले गए, -1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ भी यहाँ भी, इसलिए ऊपर चला गया ये। अब -16/21 यही, ऐसे हम लोग डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर करते हैं। अब इसमें दो छोटी बातें हैं, ये देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ रेशनल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसे हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है, ये रेशनल नंबर में आता ही नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। अब दूसरी बात देख लेते हैं, जीरो डिवाइडेड बाय एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज जीरो, अगर जीरो को कोई रेशनल नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, लेकिन अगर कोई रेशनल नंबर को डिवाइड जीरो से करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, ये
ये एक रैशनल नंबर में आएगा ही नहीं। अब हम लोग आगे आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ पी बाई क्यू एंड आर बाय एस टू रैशनल नंबर्स सच दैट आर बाय एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अगर पी बाई क्यू एंड आर बाय एस कोई रैशनल नंबर है तो उसे, और सच दैट आर बाय एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आर बाय एस यानी ये जो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये रैशनल नंबर होगा। यानी अगर फोर बाय थ्री डिवाइडेड बाय जीरो हम कर दिए तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, डिफाइंड होगा ही नहीं। यानी इसका मतलब हम लोग जान गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग जानते थे कि सम ऑफ एडिशन में हम लोग क्या देखें, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में क्या देखें, सम डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन में क्या देखें कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। एंड डिविजन में क्या देख रहे हैं कि दो नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो ऑलवेज रैशनल नंबर नहीं होगा, उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि आर बाय एस जीरो नहीं होना चाहिए, आर बाय एस जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस एक रैशनल नंबर होगा। यानी फोर बाय थ्री डिवाइडेड बाय फाइव बाय एट हो या कोई भी, जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये रैशनल नंबर होगा। यानी अगर कोई पूछे कि रैशनल नंबर जो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर फॉलो करता है, तो हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। और कब फॉलो करेगा, जब आर बाय एस यानी पी बाई क्यू एंड आर बाय एस को होगा रैशनल नंबर, और अगर आर बाय एस जीरो नहीं हो, जीरो ना हो तभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी कंडीशन है। और जनरल भाषा में हम लोग रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये जनरल भाषा में। आगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ पी बाई क्यू एंड आर बाय एस आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, देन पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस इज नॉट इक्वल टू आर बाय एस डिवाइडेड बाय पी बाई क्यू, यानी डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, टू बाय डिवाइडेड बाय फाइव बाय सेवन होना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टू बाय थ्री इंटू सेवन बाय फाइव, देन सेवन टू जो फोर्टीन, थ्री फाइव जो फिफ्टीन। और अगर हम फाइव बाय सेवन डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री करें, देन वॉट वी गेट, फाइव बाय सेवन इंटू थ्री बाई टू, देन फोर्टीन फिफ्टीन, देन फोर्टीन बाई फिफ्टीन एंड फिफ्टीन बाई फोर्टीन, दोनों तो इक्वल नहीं है। सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन रैशनल नंबर को हम लेते हैं, पी बाई क्यू आर बाय एस एंड टी बाई यू, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। वहां इससे पहले कॉम्यूटेटिव में भी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स की बात थी, आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, देन पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस डिवाइडेड बाय टी बाई यू इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय एस डिवाइडेड बाई टी बाई यू, यानी डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। एग्जाम्पल से भी हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री बाय फोर डिवाइडेड बाय फाइव बाय सिक्स, ये यहाँ पे हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री बाय फोर इंटू सिक्स बाय फाइव हो जाएगा, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, देन व्हाट वी गेट,
टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस नाइन टेन, टू बाई थ्री इंटू माइनस टेन बाई नाइन, देन माइनस ट्वेंटी बाय ट्वेंटी सेवन। इस तरीके से हमें माइनस ट्वेंटी बाई सेवन मिला। और इस तरीके से हम करके देखते हैं, टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री बाय फोर एंड देन डिवाइडेड बाय फाइव बाय सिक्स, देन तो हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। टू बाय थ्री इंटू माइनस फोर बाय थ्री एंड देन डिवाइडेड बाय फाइव बाय सिक्स, ये माइनस एट हो जाएगा, ये नाइन एंड डिवाइडेड बाय फाइव बाय सिक्स, माइनस एट बाय नाइन डिवाइडेड बाय सिक्स बाय फाइव, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्सटीन बाय फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन बाय फिफ्टीन, दोनों इक्वल नहीं है। सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ये हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। और तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर और उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन और दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखेंगे। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।